रजा, अगर आप समझते हैं कि अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है तो वो बड़ी अच्छी बात है। अगर ट्रक की बत्ती भी किसी वक्त फ्यूज हो जाती है तो मैं ही आपसे यही कहूंगा कि इंतजार फरमाइए, और ट्रक की बत्ती अगर ये जल रही है तो किसी वक्त ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी, फिर फ्यूज भी हो जाएगी। ये भी मेरी पेशेंस है। जो गुफ्तगू सामने आई है मीडिया में, जो नहीं, गैस की बात हुई है, अगर गैस की बात हो प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसका इख्तलाफ ना लाइए। रजा, अगर आप समझते हैं कि अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है तो वो बड़ी अच्छी बात है। अगर ट्रक की बत्ती भी किसी वक्त फ्यूज हो जाती है, ये 3 रोज के अलावा ये हम पीछे बेंचर्स भी जो हैं आवाम के वोट से आते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर खाली ये 3 रोज आगे नहीं है, गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं। जो पाकिस्तान को जो भी हुआ है ये 3 रोज ही होते हैं, हम पीछे वाले नहीं है। रजा, अगर आप समझते हैं कि अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है तो वो बड़ी अच्छी बात है। अगर ट्रक की बत्ती भी किसी वक्त फ्यूज हो जाती है तो मैं ही आपसे यही कहूंगा कि इंतजार फरमाइए, और ट्रक की बत्ती अगर ये जल रही है तो किसी वक्त ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी, फिर फ्यूज भी हो जाएगी। ये भी मेरी पेशेंस है। जाते जाते इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा वो ट्रक की बत्ती के ऊपर गौर से देखते रहे कि कब वो ऑफ हो। उस वक्त तक पीछे लगे रहे, हॉर्न मारते जाए। हॉर्न मारना बड़ा बड़ा जरूरी है, ट्रक को पता लगे पीछे वहां खड़ी है।